यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा, आए गए कपि सहित समाजा, आए गए कपि सहित समाजा। राम जी के सामने सारे बानर भालू, हनुमान जी महाराज आए, सबसे कुशलता पूछी गई। ओहो हो, अब हनुमान जी ने देखा भगवान कहां बैठे, फटिक सिला बैठे दो भाई। कहां बैठे, फटिक सिला के ऊपर कौन, राम जी और लक्ष्मण जी बैठे। हनुमान जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यहां सोचना, विचार करना प्रिय जनो, मेरे प्रिय श्रोताओ, स्वामी को देखकर सेवक को प्रसन्न हो जाना चाहिए, पिता को देखकर पुत्र को प्रसन्न हो जाना चाहिए और गुरु को देखकर के शिष्य को प्रसन्न हो जाना चाहिए, भगवान को देखकर भक्त को प्रसन्न हो जाना चाहिए, पति को देखकर पत्नी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, प्रेमिका को देखकर के प्रेमी को प्रसन्न हो जाना चाहिए। जैसे आज हनुमान जी भक्त हैं, राम जी भगवान हैं, राम जी को देखकर के हनुमान जी प्रसन्न हो। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी में ठीक ही है, घर पे जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे पिट के आए हो बाहर से, हंसी गायब ही हो गई लोगों की, ऐसे मुंह लटकाए रहते। अच्छा, बाहर जरूर हंसेंगे, जितने भी विवाहित माताएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, जरा माताओं पुरुषों की चाल देखना, ये ऑफिस में बहुत हंसेंगे, गाड़ी में हंसेंगे, ट्रेन में हंसेंगे, प्लेन में हंसेंगे, घर पे मुंह लटका के आएंगे। हमने एक न्यूजीलैंड के पुरुष से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम बाहर बहुत ठहाका लगाते, अंदर जाते एकदम गुमसुम हो जाते हो, बीमारी में पड़ जाते हो। बोले गुरुजी, हंसते हैं तो 10 प्रश्न पूछती है, 10 प्रश्न पूछती है, ठहाका लगाते। एक हमारा मित्र था, मित्र था क्या है, आकाश, आज की कथा तुम्हें बेटे जिंदगी भर याद रहेगी, तुम कभी किसी गुरु से प्रश्न नहीं करोगे। आकाश, हे पाताल, एक हमारा मित्र है, बाहर बड़ा ठहाका लगाता, घर पे जाते ऐसे प्रवेश करता जैसे पिट गया हो, किसी ने जूते मारे हो। तो हमने अपने मित्र से पूछा, यार रिक्की क्या बात है तुम, उसका नाम रिक्की है, उनका क्या बात है तुम बाहर घुस रहे थे अंदर। बोले गुरुजी, घर पे जाओ तो घरवाली पूछती है कहां से गुल छर्रे उड़ा के आ रहे हो, क्या क्या गुल खिलाकर आ रहे हो, ये बाल कहां का है, बड़ी टेंशन। बोले पहले ही मुंह लटका लो तो समझ जाती है टेंशन में, अपसेट है, इसलिए अब रिचर्ड कहां गए, ऐसे तो नहीं है वो, माता जी तुम जरा देखना। नहीं नहीं, वो घर पे आके मुस्कुराते हैं कि डल कर लेते, चेहरा डल कर लेते। माता जी पे कैमरा करो भाई, ये अंग्रेज को बोलो कोई, ए अंग्रेजी में बोलो थोड़ा, हाय मैन या यू फोकस इन कैमरा दिस साइड, बढ़िया बोल गए, बहुत एक्यूरेट, सही गई, मतलब सही हो गई, बिल्कुल सही। माता जी वहां मुंह करो, वो चेहरा डल करके आते हैं घर में, रिचर्ड ठीक, श्री राम जय राम जय राम श्री राम। अब वो कहानी नहीं बताएंगे पूरी। आकाश, ये बहुत लोगों की आदत है, हम लोगों की भी आदत है, हनुमान जी से सीखो क्या, प्रभु को देखकर प्रसन्न, किसको देखकर, बोलिए बोलिए, प्रभु को देखकर। हम लोगों को घर में प्रवेश करना चाहिए मुस्कुराहट के साथ, घर से बाहर निकलो मुस्कुराहट के साथ, ऑफिस में एंट्री करो स्माइली फेस, मुस्कुराहट के साथ, कोई मिले जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, मुस्कुराहट के साथ, देखिएगा
काम बहुत सरल हो जाएंगे, जिंदगी बहुत हंसी खुशी में हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में एंजॉय ही एंजॉय हो जाएगा। बहुत छोटा सा सूत्र, कोई बड़ा सूत्र नहीं, छोटा सा सूत्र, ये हनुमान जी से सीखना है, मुस्कुराना है। और टेंशन भी हो तब भी है? बोलो 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 बोलो, क्या करना है? मुस्कुराना। और मुस्कुराना टेंशन में ज्यादा चाहिए। पूछो क्यों? टेंशन को दिक्कत हो जाए कि ये आदमी कभी भी हमारे आने पे घबराता नहीं। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे, और जैसे ही मुस्कुराते हुए गए, प्रणाम किया और बहुत महिमा गाई जामवंत जी ने, नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसौ मुख न जाए सुई बरनी। क्या कहें, इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज माता जानकी जी की खबर देते हैं। क्या क्या खबर देते हैं, इस पर चर्चा हम कल करेंगे।